हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो हमें आप सभी के लिए हरियाणा की दिन भर की 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। हरियाणा की ताजा खबरें हरियाणा के मुख्य समाचार के वीडियो में। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी एक शिकायत है, वीडियो तो आप सभी लोग देख लेते हैं पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हैं ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। जी हां, सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें, हरियाणा में रिकॉर्ड 2493 कोरोना के संक्रमित 24 घंटे में मिले हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा भी हरियाणा में 98,622 पर पहुंच गया है। वहीं हरियाणा में राहत की बात यह है कि हरियाणा में रिकॉर्ड 2454 कोरोना को मात देकर घर भी लौटे हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 77,166 पर पहुंच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में 26 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी हरियाणा में 1,026 पर पहुंच गया है। हरियाणा में एक्टिव केसेस की बात करें 20,430 है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, कृषि अध्यादेश पर दो फाड़ हुए किसान। जी आपको बता रहे हैं, किसान संगठनों का एक पक्ष विरोध में धरना दे रहा है तो एक पक्ष ने समर्थन में निकाली ट्रॉली रैली और वहीं सौंपा है ज्ञापन। आपको बता दें, पानीपत से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों पर किसान दो फाड़ हो गए हैं। किसान संगठनों का एक धड़ा जहां इसके विरोध प्रदर्शन कर रहा है और एक धड़ा इसके पक्ष में आ गया है। इसी कड़ी में बुधवार को कुछ किसानों ने पानीपत में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के इन अध्यादेशों का समर्थन भी किया है। उन्होंने समर्थन में जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं पानीपत लघु सचिवालय के सामने किसान संगठनों का एक धड़ा एक अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन भी करता रहा है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, खुशखबरी है, केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ बनेगा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी। आपको बता दें, 5 करोड़ टन सामान की ढुलाई होगी हर साल। आपको बता दें, कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने इसकी डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी थी। यह प्रोजेक्ट हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों को डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर से जोड़कर समय की बचत कराते हुए ट्रांसपोर्ट की लागत भी कम करेगा। इससे न केवल NCR बल्कि समूचे हरियाणा के लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें, केंद्रीय रेलवे व शहरी मंत्रालय के अलावा इस परियोजना में प्रदेश सरकार की ओर से गठित हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी अहम रोल होगा। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात करें, आपको बता दें, अब चंडीगढ़ जाना हुआ है आसान। कोरोना के चलते बंद पड़ी हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ जाना शुरू हुई, अभी दिल्ली में नहीं है मिली। आपको बता दें, कोरोना के चलते चंडीगढ़ में बंद की गई हरियाणा रोडवेज की एंट्री खोल दी गई है। वही हरियाणा के रोडवेज की बसें चंडीगढ़ के लिए जाना शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ में बाहर से आने वाली बसों को अनुमति नहीं थी, जिस कारण दूसरे राज्यों की बसें चंडीगढ़ में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। पंचकुला तक ही बसें जा रही थी, लेकिन अब चंडीगढ़ परिवहन विभाग ने बसों की एंट्री को अनुमति दे दी है। जी हां, आपको बता दें, लेकिन शर्त रखी है कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं यात्रियों के चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए। आज से ज्यादा बसें दौड़ेंगी। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, आपको बता दें, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अवैध खनन पर अब ड्रोन की होगी नजर। पहाड़ों की तलहटी में फिल्म सिटी बनाएगा हरियाणा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए अब और शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए अब ड्रोन से खनन पर नजर रखी जाएगी। CM मनोहर लाल ने खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देश दिए हैं ताकि पल पल की जानकारी अधिकारियों को मिल सके। आपको बता दें, अधिकारियों के साथ मंथन में CM ने ये निर्देश दिए हैं और कोरोना को हराने के बाद CM मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आते ही अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं आपको बता दें, दूसरी खबर है, CM ने धान खरीद प्रक्रिया को लेकर भी अधिकारियों को तेजी से तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। CM ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक किसान से ये पूछा जाए कि वे आरती के माध्यम से या सीधे पैसा लेना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में किसानों की उपज की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, शहर का कंट्रोल्ड एरिया तय।
वह कॉलोनियों में भी रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी आईडी जरूरी, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तेज की जा रही है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 7 में बदलाव कर लागू कर लिया है। इसके साथ अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना आसान हो गया है। प्रशासन ने कंट्रोल एरिया का दायरा तय होने के साथ सार्वजनिक कर दिया है। इससे जमीन के रेट भी वह कंट्रोल्ड एरिया में अब 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री बिना DDP की NOC के नहीं होगी। जी हां, इस वक्त की गली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें 21 सितंबर से स्कूल बदला होगा सब कुछ, हाउस नहीं मास्क के रंग से ग्रुप में बटेंगे बच्चे। आपको बता दें हरियाणा सोनीपत और करनाल के 2 स्कूलों में एक नया प्रयोग किया गया है। यहां बच्चों को बबल्स ग्रुप में रखा जाएगा और इसके पहले बच्चों को अलग अलग रंग के हाउसेज में रहने की आदत थी। हम आपको बताते हैं कि बबल्स ग्रुप्स क्या हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है। आपको बता दें 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद छात्र जब वापस स्कूल आएंगे तो सब कुछ बदला सा नजर आएगा। बच्चों को अब बबल्स यानी कोरोना प्रूफ ग्रुप्स में रखा जाएगा। इससे पहले बच्चों के ग्रुप्स हाउसेज में बटे होते थे, हर हाउस का एक रंग होता था। पहले बच्चे हाउस के रंग की टी शर्ट पहनते थे, अब नए बबल्स सिस्टम में ग्रुप बांटे जाएंगे। आपको बता दें हर ग्रुप में लगभग 20 बच्चों को रखा जाएगा। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग ने जताई है चिंता, बीमारी छिपाने और होम आइसोलेशन तोड़ने वाले बड़ा खतरा, अब हर चौथा सैंपल पॉजिटिव आ रहा है। अम्बाला में कोरोना संक्रमित केसों और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा रफ्तार पकड़ रहा है, इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह ने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से अपील की है कि होम आइसोलेशन तोड़ने वाले पॉजिटिव मरीजों पर निगरानी बढ़ाएं, ऐसे लोगों के बारे में विभाग को बताएं। चिंता की बात यह है कि अब हो रहे सैंपलों में 25% तक पॉजिटिव केस निकलने लगे हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें महंगी हो गई है रजिस्ट्री, लगेगा डेवलपमेंट चार्ज। सिरसा से बड़ी खबर है, रजिस्ट्रियों में हेरा फेरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए नए सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट चार्ज अदा करने के बाद ही रजिस्ट्री हो पाएगी। 120 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड का भुगतान के बाद ही सॉफ्टवेयर शहर की 26 कॉलोनियां व लाल डोरे में ही रजिस्ट्री कर रहा है। सबसे अधिक परेशानी तो पुराने मकान बेचने की स्थिति में डेवलपमेंट चार्ज मांग रहा है, कंट्रोल एरिया को मान रहा है अर्बन। जी हां, अगली बड़ी खबर है चंडीगढ़ से आ रही है, बड़ा फेरबदल। चंडीगढ़ को मिली IPS अफसर श्रुति अरोड़ा, हरियाणा चीफ सेक्रेटरी केसनी आनंद अरोड़ा की है बेटी। आपको बता दें चंडीगढ़ प्रशासन को IPS श्रुति अरोड़ा के रूप में नई अफसर मिल गई है। श्रुति ट्रेनिंग के बाद से प्रोबेशन पीरियड पर है, वह 2018 बैच की अधिकारी। बता दें श्रुति हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी केसनी आनंद अरोड़ा की बेटी है। IPS मनीष चौधरी भी इस परिवार से संबंध रखते हैं। श्रुति अभी अपने कैरियर की शुरुआत कर रही है, ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस में उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। श्रुति सहित कई अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग आर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किए हैं। आपको बता दें व्यापारियों की समस्या को लेकर आयोग से की है मुलाकात। पलवल से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की जिला और शहरी इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता से मुलाकात की और व्यापारियों की समस्या को लेकर अपनी मांगें रखी हैं। आपको बता दें व्यापार मंडल की मांग पर आयुक्त ने आदेश देते हुए कहा है कि नगर परिषद की दुकानों के किरायेदारों से 15 मार्च से लेकर 15 मई तक का किराया न लिया जाए। साथ ही जिन दुकानदारों से किराया ले लिया गया है उन्हें अगले महीने में एडजस्ट करें। तो जी हां भाई बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की दिन भर की 25 फटाफट खबरें कैसी लगी? अगर खबरें अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब। धन्यवाद।